अगले कुछ ही हफ्तों में लोकसभा चुनाव का आगाज हो जाएगा। जनता अपने मत के जरिए संसद के लिए अपने नुमाइंदों का चुनाव करेगी। विभिन्न दलों ने अलग अलग सीटों से अपने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। इनमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जहां जोरदार मुकाबला देखने को मिल सकता है। ऐसी ही सीटों में शामिल है यूपी की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हरेंद्र सिंह मलिक के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपका सांसद आपकी सीट की सीरीज में आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे खास लोकसभा सीटों में से एक है। 17 लाख वोटर्स की आबादी वाली सीट पर बीजेपी के संजीव बालियान का मुकाबला समाजवादी पार्टी के हरेंद्र सिंह मलिक से होना है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर अगर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो इस सीट पर लगभग 17 लाख के आसपास मतदाता हैं, जिनमें 5 लाख मुस्लिम, 2 लाख दलित, 1.5 लाख जाट, 1,30,000 कश्यप, 1,20,000 सैनी, 1,15,000 वैश्य और लगभग 4,80,000 ठाकुर, गुर्जर, त्यागी, ब्राह्मण, पाल, प्रजापत, सुनार और अन्य बिरादरियां शामिल हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें बुढ़ाना, चरथावल, मुजफ्फरनगर, खतौली, सरधना सीट आती हैं। ये पांचों ही सीटें बीजेपी के खाते में हैं। अगर हम बात उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की करें तो ये सीट 2013 दंगे के बाद से उत्तर प्रदेश की मुख्य सीटों में गिनी जाती है, क्योंकि 2013 के दंगे के बाद 2014 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने सभी पार्टियों का पूरी तरह से सूपड़ा साफ कर दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने एक बार फिर से डॉक्टर संजीव बालियान पर अपना दांव लगाया। इस बार संजीव बालियान के सामने आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे स्वर्गीय अजीत सिंह थे। इस चुनाव में भी संजीव बालियान ने जीत हासिल करते हुए स्वर्गीय अजीत सिंह को 6,526 वोटों के छोटे से अंतर से चुनाव हरा दिया था। इस चुनाव में डॉक्टर संजीव बालियान को 5,73,780 वोट मिले थे, जबकि अजीत सिंह को 5,67,254 वोट मिल पाए थे। 2014 में उत्तर प्रदेश में चली भारतीय जनता पार्टी की लहर का असर मुजफ्फरनगर में देखने को मिला था। संजीव बालियान ने इन चुनाव में करीब 60% वोट हासिल किए थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी और बीएसपी के उम्मीदवार कादिर राणा को 22% वोट मिले थे। संजीव बालियान ने कादिर राणा को करीब 4 लाख वोटों के अंतर से हराया था। बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान छात्र जीवन से ही सियासत में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने कुछ समय तक असिस्टेंट प्रोफेसर और वेटनरी सर्जन के रूप में अपनी सेवाएं दी। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीएसपी के उम्मीदवार कादिर राणा को बड़े अंतर से हराया और 2014 में मोदी सरकार की पहली कैबिनेट में कृषि मंत्री भी बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे और बेहद करीबी मुकाबले में तत्कालीन आरएलडी सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह को मात दी। बीजेपी ने 2024 में भी मुजफ्फरनगर सीट पर पार्टी का परचम लहराने की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंपी है। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद एवं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से मौजूदा सपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह मलिक अपने शुरुआती 4 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। हालांकि इसके बाद किस्मत जैसे उनसे रूठ सी गई और बाद में लड़े 1 विधानसभा चुनाव और 4 लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हरेंद्र की पहली चुनावी जीत खतौली विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर हुई थी। बाद में 1998-99 में बीजेपी और 2009 में बीएसपी के टिकट पर मुजफ्फरनगर से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार नसीब हुई। बीजेपी ने 2019 में भी उन्हें कैराना से टिकट दिया था, लेकिन उनकी किस्मत रूठी ही रही और उन्हें एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। 2024 का मुकाबला पिछले सभी मुकाबलों से अलग है। जहां पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी, बसपा और आरएलडी के बीच गठबंधन था, वहीं इस बार आरएलडी ने एनडीए का खेमा पकड़ लिया है और बीएसपी अकेले ही मैदान में है। माना जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान को जहां आरएलडी से गठबंधन की वजह से कुछ वोटों का फायदा होगा, वहीं सपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह मलिक के साथ मुस्लिम वोट एक मुश्त जा सकता है। हालांकि बसपा के प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति सपा कैंडिडेट का नुकसान कर सकते हैं, लेकिन ये नुकसान कितना बड़ा होता है ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर 2024 में एक दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल सकती है।